आज मैं आपको उस संत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने विशालकाय ड्रैगन को भाले से मारा है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 23 अप्रैल को संपूर्ण कलीसिया संत जॉर्ज का पर्व मनाती है। उनका जन्म पलस्ताइन या कपोदेचिया में हुआ था। उनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन चौथी शताब्दी में उनके नाम से कई गिरजाघर एवं लोगों के प्रति उनका प्रेम दिखाई पड़ता था। कहा जाता है कि उनके माता पिता एक सम्मानित परिवार से थे। उनके पिता रोमन साम्राज्य के सेनापति थे और उनकी माता सीरिया पैलेस्टाइन से थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद वे उनकी माता के साथ पैलेस्टाइन चले जाते हैं और वहीं पर अपना जीवन प्रभु की भक्ति में बिताते हैं। इतिहासकार डोनाल्ड के अनुसार वे कहते हैं कि संत जॉर्ज के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, परंतु उन्हें यह पता चला है कि पैलेस्टाइन में अपनी युवा अवस्था में संत जॉर्ज वहां पर एक सैनिक थे। 20 वर्ष की उम्र में वह सेना में भर्ती होने के बाद उनकी पदोन्नति हर साल होती गई, क्योंकि वे अपने कार्यों में बहुत अधिक कुशल थे। राजा डायक्लोशियन ने 24 फरवरी 303 में यह राजाज्ञा निकाली कि अगर जो कोई ख्रिस्तीय है उन्हें अपने पदों से निकाल दिया जाएगा अगर वे रोमन साम्राज्य के देवी देवताओं की उपासना आराधना नहीं करेंगे। यह बात सुनकर संत जॉर्ज ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। जब राजा डायक्लोशियन को पता चला कि उसने अपनी सारी संपत्ति बांट दी है और वह एक ख्रिस्ती है, तो राजा डायक्लोशियन ने उसे लालच दिया जमीन का एवं कई प्रकार से उसे सुविधाएं देने का, लेकिन संत जॉर्ज ने सभी बातों से इनकार कर दिया। उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने एक विशालकाय ड्रैगन को भाले से मारा था जो कि शैतान का प्रतीक था। 23 अप्रैल 303 में निकोदेमियास के शहर में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु के बाद जल्द ही ख्रिस्तियों ने उन्हें प्रभु के नाम पर शहीद घोषित किया और उनकी मध्यस्थ से प्रार्थना करने से लोग मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्राप्त करते थे। आइए क्रिस्म प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम विशेष रूप से संत जॉर्ज के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम उन लोगों के लिए सहारा बने, प्रार्थना का माध्यम बने जो शारीरिक रूप से पीड़ित है, आध्यात्मिक रूप से परेशान है एवं कई प्रकार की मानसिक रूप से अपने आप को वह बदल नहीं पा रहे। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें और उनके जीवन में प्रभु का प्रेम बढ़ता जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए उन्हें प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें।